सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रकाश महंत ब्लॉग्स में। और आज इस वीडियो में मैं दोस्तों रिव्यू करने वाला हूँ अबाउट दिस द ऑल न्यू टाटा टियागो NRG। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। और आपको किसी भी चीज़ की, कोई सी भी गाड़ी से रिलेटेड क्वेरीज होंगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर्च करें प्रकाश महंत। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके वेरियंट्स की। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलेगा जिसका नाम है टाटा टियागो NRG। इसमें कोई भी छोटा या बड़ा, ऊपर या नीचे कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है, सिर्फ आपको NRG ही मिलेगा। और इसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक और मैनुअल, बस ये ही दो ऑप्शंस मिला करेंगे। और इंजन ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है, 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन विच जनरेट्स 85 BHP ऑफ पावर एट 6000 RPM एंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 3300 RPM। और ये मेटेड है 5 स्पीड मैनुअल एज वेल एज 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। और इसका माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर तक का। और इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 35 लीटर्स की। और बात करें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो है इसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। तो दोस्तों, इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ था जिसमें इस गाड़ी ने बहुत ही बढ़िया 4 out of 5 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग्स हासिल की थी, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसमें आपको मिल जाता है साथ ही साथ ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर और कीलेस एंट्री। तो इतने सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की। तो अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हैं तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 6.57 लाख रुपीज़ का। और अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेते हैं तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 7.09 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और दोस्तों, ये देख सकते हैं इसका डोर हैंडल जिसमें कि रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और चाहे तो आप चाबी से भी इसे ओपन कर सकते हैं। और ये आपको ड्यूअल टोन में मिलता है मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। और ये देख सकते हैं इसके ORVM आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल है। और इसमें आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों टायर्स, जिसमें कि आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे डुअल टोन के। और इसका टायर साइज है 175x60 और 15 इंचेस के ट्यूबलेस रियर टायर्स। और ग्राउंड क्लियरेंस है 181 mm की। और फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं, हेडलाइट देख सकते हैं सेम एज टियागो आपको देखने को मिलेगा, टियागो या टिगोर के जैसे। टिगोर के टॉप मॉडल में तो प्रोजेक्टर हेडलैम आता है, बाकी इसमें नहीं आता। और क्रोम राइन और नीचे फॉग लैम्प देख सकते हैं। और नीचे इसका प्लेट्स देख सकते हैं सिल्वर कलर की, जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखने में लग रही है, एक क्रॉसओवर वाली स्टांस दे रही है गाड़ी को प्रॉपर। और स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, जिसमें कि म्यूजिक प्लेयर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच भी आता है देख सकते हैं वाइपर के टॉगल के नीचे। और इसमें आपको AC वेंट्स भी काफ़ी बेहतरीन दिए गए हैं। और इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं AC के वेंट, जिसमें कि क्रोम ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है प्रीमियम टच देने के लिए। और इसमें आपको बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑक्स, USB, FM, वॉइस कमांड सिस्टम। और इसमें आपको मिल जाते हैं 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स, जिसके कि आपको इसमें बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है इसके साउंड क्वालिटी का। और रियर सीट देख सकते हैं, जो कि फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पर 3 लोगों को काफ़ी आराम से बैठा सकते हैं। और एक छोटा सा बॉटल होल्डर मिल जाता है सेंटर कंसोल पे। और काफ़ी हद तक आपको ये टियागो की याद दिलाने वाली है। और ये देख सकते हैं रूफ रेल्स, और यहाँ पर रियर वाइपर, रियर डिफॉगर भी, और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देख सकते हैं। और रूफ देख सकते हैं ब्लैक कलर की मिलेगी रूफ। और यहाँ पर भी देख सकते हैं टियागो की ब्रांडिंग, टाटा की ब्रांडिंग और NRG की ब्रांडिंग। और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है इसका टेल गेट ओपन करने के लिए। और उसके जस्ट नीचे में आपको कैमरा देखने को मिलेगा। और नीचे में आपको इसके रियर सेंसर्स मिलेंगे। और इसका प्लेट देख सकते हैं पीछे पे। और रिक्वेस्ट सेंसर इस तरह से दबाएंगे कुछ इस तरीके से, तो इसका टेल गेट जो है वो ओपन होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको 242 लीटर्स की बूट स्पेस जब मिल जाती है। और नीचे रखा गया स्पेयर व्हील, और ये है इसका पार्शल ट्रे। और अंदर कैबिन को एक बार और देख सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ से आपको बंद करने को मिलेगा इसके टेल गेट को, अच्छे से करना होगा बंद,